दोस्तों, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के आंदोलन को आज 11वां दिन है और अब बंगाल गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ रहा और आज उन्होंने कुछ सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोस्तों, हम एक बात नहीं समझ में आ रही कि जब आप एमपी को तोड़कर छत्तीसगढ़ बना सकते हैं, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश को तोड़कर हम उत्तरांचल बना सकते हैं, उत्तराखंड बना सकते हैं, जब बड़े राज्यों को तोड़कर हम छोटे राज्य बना सकते हैं, छत्तीसगढ़ बना सकते हैं एमपी से, तो बंगाल के लोगों, बंगाल के गवर्नेंस से अगर हमारा एक हिस्सा हमारे भाइयों का अगर खुश नहीं है, अगर उन्हें लग रहा है, और ये काफ़ी पुरानी मांग है गोरखालैंड की, अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, या हमारे बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, या हमारे तक सुविधा नहीं पहुँच रही है, तो और बंगाल इतना बड़ा राज्य है कि नहीं अगर ठीक से गवर्नेंस हो रही है, या उनके एक हिस्से को लग रहा है कि वो ठीक से नहीं हमारी बात रख पा रहे हैं बंगाल गवर्नमेंट, तो उन्हें उनका हिस्सा क्यों ना दिया जाए। हम ये नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि वो दूसरी कंट्री मांग रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि वो हमारे भाई हैं और वो अपना राज्य चाहते हैं, वो आपसे अलग देश नहीं मांग रहे हैं। जैसे कश्मीर में आपसे कह रहे हैं लोग कि हमें अलग देश दे दीजिए, कश्मीर अलग दे दीजिए, हमें पाकिस्तान में मिलना, यहां वो मसला नहीं है दोस्तों। यहां पे गोरखी लोगों का ये कहना है कि हमें अलग स्टेट दिया जाए, हमारा अपना सीएम होगा, हमारी अपनी बात सुनेगा, दार्जिलिंग एक टूरिस्ट स्पॉट है, फिर भी उस हिसाब से वहां विकास नहीं है, उन्हें हर चीज के लिए बंगाल पर निर्भर रहना पड़ता है। गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि अगर आप सिंसियर हैं, देखिए बंगाल गवर्नमेंट से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट से। हम चाहते हैं कि आप गोरखी भाइयों को बिठाएं और उनकी बात सुने, वो क्या कहना चाहते हैं शांति से सुने, उन पर गोलियां ना चलाई जाएं, उन पर केस ना किए जाएं, उन्हें शांति से बिठाएं, उन्हें पूछें, उन्हें बताएं, ठीक है चार मांगे उनकी मानिए आप, दो मांगे अपनी मनवाइए और भाईचारे से निपटा दीजिए, क्योंकि इसमें नुकसान इंडिया का, वो हमारे भाई हैं, अगर वो मरते हैं तो भी हमारे भाई हैं, अगर हमारी फोर्सेस में से कोई जख्मी होता वो भी हमारा नुकसान है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे भाई जो गोरखी भाई हैं, बहादुर भाई हैं, जो फोर्सेस में इतना आगे रहे हैं, हर फील्ड में आगे हैं, सुनील छेत्री अगर आप देखें हॉकी में इतना बड़ा नाम है, कैप्टन रह चुके हैं, इतने सारे अवार्ड्स ले चुके हैं, पद्म विभूषण भूषण भी मिला है उन्हें, भाईचुंग भूटिया, मैरी कॉम है, ये सब हमारे देश के झंडे के नीचे खेलते हैं, वो कभी गोरखा या हमारी अपनी नियत, हमारी गलती है कि हम उन्हें चीनी नेपाली समझते हैं, उन बेचारों ने कभी आपसे नहीं कहा, हमारी गलती है, हम उन्हें वॉचमैन और इन सब चीज़ों से उठकर देखें, बराबर हमारे साथ में रखकर देखें, अगर हम उनकी इज्जत करेंगे तो बदले में वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। आप लोगों से विनती है, गवर्नमेंट से हमारी विनती है सर, कि उस साइड से कभी आपको कश्मीर जैसा सिरदर्द इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वहां पर गोरखी भाई बैठे हुए हैं हमारे, और वो पूरी तरह हमारी सीमा को वहां पर उन्होंने सील करके रखा हुआ है, मतलब किसी आउटसाइडर से हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है वहां से, हम यहां से निश्चिंत हैं। और मोदी जी ने कई बार कहा कि नॉर्थ ईस्ट अगर हिस्सा आपका घर का अगर सही हो, ठीक हो, शांत हो, तो पूरे घर में शांति रहती है। अब आप देख लीजिए, अगर वो हिस्सा हमारा डिस्टर्ब है थोड़ा सा, तो हमारा दिल नहीं लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं, बंगाल गवर्नमेंट से हमें कोई उम्मीद नहीं, हम फिर कह रहे हैं, हम दिल्ली में बैठी सरकार से कहेंगे कि आप हमारे गोरखी भाइयों से बात कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो आपके साथ बैठकर एक घंटे में ये सब बातें सॉल्व हो सकती हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि ये बात निपटे, वो शायद किसी स्टेट गवर्नमेंट से हो सकते हैं, वो नहीं चाहते कि अलग स्टेट बने, ये इतने बहादुर लोग हैं, इतनी अच्छी कौम है, क्यों आप लोग उन्हें अपना जानबूझकर दुश्मन बना रहे हैं, क्यों नहीं आप लोग उनकी बातें सुनते। ठीक है, आप उनसे सकही है कि ठीक है हम आपकी बात सुनते हैं, हम जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे, उनसे आप वक्त लीजिए, उन्हें आप थोड़ा सा प्यार से बिठा के बात तो कीजिए, आप सीधी गोलियां चला रहे हैं जैसे उन पर कि जैसे वो दहशतगर्द हैं या कहीं से वो बहुत बिल्कुल एंटी इंडिया काम कर रहे हैं, अपने हक मांगना। हम देखिए, हम फिर बार बार कह रहे हैं, वो स्टेट मांग रहे हैं, वो अलग देश नहीं मांग रहे हैं, ठीक है उसमें भी कई लोगों को आपत्ति हो सकती है स्टेट के लिए, फिर भी उसका एक सही तरीका अपनाइए, आप तरीके से उनको बुलाइए, बिठाइए, उनको बताइए, आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे, आप उनको बताइए कि भाइयों हमें ये लग रहा है, हमें ये डर है, हमें चाइना से ये डर है, या हमें और किसी भी तरह से ये डर है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर इंडिया की बात आएगी तो वो लोग कहेंगे कि ठीक है हमें आपकी बात मंजूर है, लेकिन आप ये मत कीजिए। 12 दिन हो गए हैं, पूरा जनजीवन ठप है, यहां उनका भी कश्मीर जैसी काम है, दार्जिलिंग है, टूरिज्म पे काम चलता है, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, या उनके भाई बंधु हमारे भाई बंधु हैं, वो अगर वो भूखे मर रहे हैं तो इसमें नुकसान देश का है सर। जो बाहर से लोग आकर के देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सब हो रहा है, क्या इमेज जाएगी वहां पर,
जिस तरह कश्मीर में जाना लोगों ने छोड़ दिया, उसी तरह एक दिन ऐसा होगा कि यहां पर नहीं जाएंगे ये बेचारे, तो कहीं आधे हमारे साथ में हमारे इंडिया में हाथ को हाथ लगाकर, कंधे से कंधा लगाकर हमारे साथ चलते हैं, करते हैं, तो क्यों हम इनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं सेकंड सिटीजंस जैसे? क्यों नहीं हम एक, जब हम एमपी को काटकर छत्तीसगढ़ बना सकते हैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड को बनाकर उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड बना सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इनकी मांग पर सीरियसली गौर करते हैं? और अगर हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं, अगर हमें कुछ लग रहा है हमारे दिल में कुछ ऐसा है सिक्योरिटी रीजन से, तो हम उन्हें समझाएं कि भाइयों ये बात है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते, ये एक हो गया तरीका। लेकिन आप उन पर गोलियां चला रहे हैं और 12 दिन के बाद में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके पास आएंगे, तो वो आपके पास आने वाले नहीं है, गवर्नमेंट को उनके पास जाना होगा, बात सुननी होगी। यहां पर तो अगर एक रेल रोक देते हैं तो लोग उनसे जाके बात करते हैं, आप 12 दिन से वो शहर ठप पड़ा हुआ है, पूरा रीजन वो ठप पड़ा हुआ है, बात बढ़ती जा रही है। वो ये चाह रहे हैं, गोरखी लोग ये चाह रहे हैं कि उनके पास आए को उनकी बात सुने, आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, आप पहले उन पर गोलियां चलवा देते हैं, 3 लोग मार देते हैं, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे आके बात करेंगे। नहीं, ममता बनर्जी ने पहले गोलियां चलवा के उनके बंदे खत्म हो गए, उसके बाद ममता बनर्जी कहती है कि अब बात करने के लिए टेबल पे आए। अगर बात ही आपने करनी थी तो पहले उन पर गोलियां ना चलवाते, प्यार से उनको बुलाते, बैठते, बात करते, भाई बना के उनको, भाई समझा के उनको, बात बताते कि हाँ जी हम ये रिजर्वेशन है, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन आपने वो नहीं किया, अभी भी बात बिगड़ी नहीं। दिल्ली से, स्टेट से दोनों एक मिलकर अपने भाइयों को, गोरखी भाइयों को समझाएं, उन्हें बताएं, अगर दे सकते हैं, उनकी मांग मानी जा सकती है तो श्योरली मानी जाए, अगर नहीं, कुछ रिजर्वेशन हैं, आप उन्हें समझाएं कि भाई हमें ये रिजर्वेशन है, और फिर उसका कोई बीच का रास्ता निकालें। ये मार धाड़ हिंसा, इसका कोई हल नहीं है, न वो हटेंगे ना आप लोग हटोगे, इससे और ज्यादा स्थिति खराब होगी। कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट पर आके मिलना होगा दोनों लोगों को, दोनों पार्टीज को। मैं गोरखी भाइयों से भी अपील करता हूँ, गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि कहीं ना कहीं दो पैर आपको पीछे लेना है, दो पैर गवर्नमेंट को पीछे लेना है, और कहीं एक पॉइंट पर आकर आपको एक समझौता करना पड़ेगा। ये आप साल भर भी करेंगे, गवर्नमेंट भी अड़ी रहेगी साल भर, तो इसका कोई हल नहीं है। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आपको आकर के बात करना होगा। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहता हूँ कि सर बहुत अच्छे, बहुत भोले, नेक दिल के लोग होते हैं सर, ये मत कीजिए इनके साथ ऐसे। मैं जानता हूं हम नहीं कर रहे, डेलिबरेटली नहीं कर रहे, कुछ पार्ट चाहती हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन हम नहीं चाहते, इसलिए हम आपसे भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनकी बात सुने, सीरियसली सुने, सिंसियरली इनकी बात सुने, और जो अगर अच्छे से अच्छा हल हो सकता है गोरखी भाइयों के लिए, उन्हें वो उनका हक हो, हल हो, उन्हें दिया जाए गवर्नमेंट से। और मैं अपने गोरखी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपको हमें हमारी पोस्ट में थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है भाइयों, हम आपके साथ खड़े एज एन इंडियन, हम आपके साथ खड़े हैं, आप कोई बाहर के लोग नहीं हैं, आप इंडिया का हिस्सा हैं, कोई आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं हमें, हमारा आपको साथ देना हमारी ड्यूटी है, हम थैंक यू या अप्रिशिएशन के हकदार नहीं है। अगर हमारे भाई को कोई बाहर से आदमी आके कोई तकलीफ होगी या मारेगा, तो हमारा, हम उसकी मदद करें तो भाई हमें थैंक यू नहीं कहेगा। आप लोगों से भी विनती है भाइयों, अपना ख्याल रखें, गवर्नमेंट करेगी आपसे कुछ ना कुछ जरूर बात करेगी, आप मारधाड़ ना करें, तोड़फोड़ ना करें, आखिर कल जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो इन चीज़ों का आप ही को उपयोग करना है भाइयों। हाथ जोड़ के विनती है, अपना भी ध्यान रखें, बच्चों को बचाएं, महिलाओं को बचाएं, हिंसा ना करें। आप लोगों को ये मन में ना आने दें कि कोई आपकी कदर नहीं कर रहा है या फिक्र नहीं कर रहा, हम पूरा इंडिया आपके साथ में, अगर आपको मांग, अगर आपकी जायज़ है तो ज़रूर आपकी मानी जाएगी बात। और मुझे भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ज्यूडिशरी, सबको लगता है कि अगर आपकी मांग जायज़ है तो वो ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ज़रूर ये बात पूरी होगी। जय हिंद।